युगलिकों की युग यात्रा का थोकड़ा सूत्र श्री जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति से एवं ग्रंथों के आधार से। युगलिक अर्थात एक स्त्री एक पुरुष जिसका एक साथ जन्म और एक ही साथ में मृत्यु होता है, अनेक विशेषताओं से जो युक्त होते हैं उसे युगलिक कहते हैं। क्षेत्र 15 कर्म भूमि में काल के अनुसार अर्थात पहला दूसरा और तीसरे आर्य का आधे से ज़्यादा भाग। 30 अकर्म भूमि में सदैव युगल का जन्म होता है। काल सुखम 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 और सुखमा दुखमा इन तीन आर्य में। अवगाहना पहले आर्य में 3 कोस उतरते 2 कोस, दूसरे आर्य में 2 कोस उतरते 1 कोस, तीसरे आर्य में 1 कोस उतरते 500 धनुष। संकित क्षयोपक्षम और क्षायिक संकित। युगलिक में गुणस्थान पांचवा द्वारे गुणस्थान, मिथ्यात्व और अविरति सम्यक दृष्टि 2 और 4 गुणस्थान। छठा द्वार गति द्वार। मनुष्य और त्रियंच संगी में ही युगलिक होते हैं। जाति त्रियंच गति में स्थलचर और खेचर ही युगलिक होते हैं। आठवा आयुष्य द्वार उत्कृष्ट 3 पल्योपम और जिनका आयुष्य निरुपक्रमी होता है। वेद द्वार स्त्री वेद और पुरुष वेद। दसवां मिथ्यात्वी जिनका आयुष्य 1 पल्योपम में 1 समय क्रम होता है और दूसरा है खेचर जाति वाले युगलिक। ग्यारहवां द्वार संख्या द्वार सभी युगलिक संख्यात होते हैं। युगलिकों में जाति कुल वंश गोत्र आदि व्यवस्था नहीं होती है। 12वां व्रत द्वार श्रावक व्रत और महाव्रत युगलिक नहीं ले सकते। 13वां विकास द्वार जब युगल का 6 माह शेष आयुष्य रहता है तब वे पुत्र पुत्री को जन्म देते हैं। प्रथम सप्ताह में युगलिक का जो बालक होता है प्रथम सप्ताह में सीधा सोता हुआ अंगूठा चूसता है। द्वितीय सप्ताह में घुटनों के बल चलता है। तृतीय सप्ताह में चलना सीखता है। चतुर्थ सप्ताह में मधुर वाणी बोलने लगता है। पंचम सप्ताह में स्थिरता से चलने लगता है। षष्ठम सप्ताह में सभी कलाओं में विशारद हो जाता है। सप्तम सप्ताह में युवा अवस्था से संपन्न सभी भोगों को भोगने वाला बन जाता है और ऐसे 49 दिन के पश्चात वनों में निवास करते हैं, कल्प वृक्ष से निर्वाह करते हैं। 14वां स्वभाव द्वार सरल भद्र स्वभावी वैर भाव नहीं ईर्ष्या और द्वेष नहीं होते हैं। संस्कार युगलिकों के मृत शरीर को भारंड पक्षी लेकर क्षीर समुद्र में डालते हैं और कहीं वर्णन आता है कि जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में वर्णन आता है कि युगलिक के क्षेत्र में भूमि की स्निग्धता सरसता के कारण जब वे मर जाते हैं तब उनका शरीर गल जाता है। स्नेह युगलिकों का परस्पर क्षण मात्र भी वियोग नहीं होता है। एक को छींक और एक को उबासी आती है और मृत्यु उनकी हो जाती है। युगल रूप लावण्य और सौभाग्य से युक्त होते हैं। युगल काल में अन्य भाई भाभी आदि परिवार नहीं होता है। युगलिक के शरीर में रोग वृद्ध अवस्था इंद्रिय हानि कुरूपता नहीं होती है। स्वभाव में वैर विरोध लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष आदि भी नहीं होते हैं। वे सुंदर सर्वांग सुंदर सुरूप युवा निरोग परिपूर्ण अंगोपांग वाले होते हैं और सरल भद्र परिणामी होते हैं। यह युगलिक की विशेषता बताई है। पूर्व भव के उपार्जित दान पुण्य दया परोपकार आदि शुभ कार्य से युगलिक बनते हैं और पूर्व भव के दान पुण्य के ही ये फल है। सेवम भन्ते जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म।